अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और ये शो आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तआवुन किया है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने। हम देख रहे होते हैं अपनी हर रेसिपी इस शो पर, जो कि बहुत ही शानदार और मज़ेदार बन रही होती हैं, क्योंकि जी हमारा हर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल। ना सिर्फ कि ये रिवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, फास्ट फूड, स्नैक्स, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पे मलेशियन पाम ऑयल का ही इंतखाब किया जाता है। और जी आज हमारे शो पे क्या बन रहा है, नाम शो के आप लोगों को इंतज़ार होगा। क्या बना रही हैं आपा जो झटपट बनाती हैं, मज़ेदार बनाती हैं, सेहत से भरपूर बनाती हैं, तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज क्या बन रहा है जी? आज बहुत हटके हम आपके लिए एक मीठा बना रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। और ये जो मीठा है ये सूजी का हलवा है, और ये वो 2 मिनट वाला हलवा नहीं है जो आप पराठों के साथ खाते हैं। ये ख़ास रेसिपी मेरी माँ की है, मेरी फैमिली की रेसिपी है, और बहुत ही मज़े का बनता है, अमेजिंग बनता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर सीखिएगा और बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। और हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने अपनी रेसिपी को, चूँकि आधे घंटे के शो में गोश्त का गलना ज़रा प्रॉब्लम दे होता है, तो मैंने सिर्फ गोश्त को बॉयल कर लिया। ठीक है, इतना बॉईल कर लिया है कि देखें गोश्त हमारा गल गया है, ताकि हम इसको आप समझिएगा मैं कच्चे गोश्त के साथ कर रही हूँ। पांच पहले हम करते हैं भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त के लिए आपको आधा किलो चाहिए मटन, मटन लेंगे हम आधा किलो, और हम अपना ऑयल लेंगे जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है मलेशियन पाम ऑयल, बिकॉज उसमें कुदरती तौर पर विटामिन ई शामिल होता है और कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा के रखता है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए बनाती हूँ, बहुत सारे शेफ दुनिया भर के जो बनाते हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए ये बेहतरीन है। चाहे आप उसमें शैलो फ्राइंग करें, चाहे डीप फ्राइंग कराएं, चाहे मीठा बनाएं, चाहे नमकीन बनाएं, चाहे दाल का तड़का दें, चाहे पुलाव बनाएं, हर चीज़ के लिए बेहतरीन होता है वो वनस्पति और वो ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। Yes, right, आपको समझ आई? बहुत अच्छे से समझ आई। अब से तो मैं भी करने लगी हूँ ये कि जी अब कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का इंतखाब वही करती हूँ जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। ओके, तो हम पहली रेसिपी क्या है हमारी? हम पहली रेसिपी लेंगे, बनाएंगे भिंडी गोश्त। ओके, अब आप मुझे ऑयल उठा दीजिए, और ये ऑयल है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। तो ये मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप। पता है मैं क्या करूँगी? अब आप जिस तरह लिखा है आप यही करेंगे कि पहले आप ऑयल गरम करेंगे, उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त डाल के भुनाई करेंगे। ठीक है, जब गोश्त अच्छी तरह से भून जाएगा तो आप उसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे, साथ में दही। दही डालने के बाद उसमें 2 कप पानी डाल के आप उसको गलाना छोड़ दीजिए। सही, जब गोश्त गल जाएगा तो फिर और थोड़ी सी ग्रेवी रह जाएगी इसमें, तो मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर, और ये मेरे पास जो भिंडी रखी हुई है फ्राई की, आप 1 कप आप ले लें। मेरे पास मटन है तकरीबन 750 ग्राम, 3 पाव बकरे का गोश्त है, उसमें आप 1.5 कप जितनी भिंडी फ्राई करके डाल दीजिएगा, साबुत भिंडी 25-30। ठीक है, अब आप ये समझेंगे कि ये गोश्त कच्चा है। ठीक है, अब आप देखें मैं क्या करूँगी। बेटा 1 स्पून जी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, इसमें हमने कच्चा गोश्त डाल दिया, आप समझेंगे कच्चा है। ठीक है, ठीक है, बॉईल करके पहले से रख लें। हाँ बस, और फिर आप इसी तरह बनाइए। ठीक है, ये हमने कर दिया, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मसाले। नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून,
और इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। आप समझे ये आपने कच्चे गोश्त में डाल दिया ये सारी चीज़ें जी। साथ में मैं इसके दही शामिल कर रही हूँ और इसको भून रही हूँ। 1/2 कप दही फिटी। ओके, बस अब इसको भूनेंगे जी। और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको मैं भूनूंगी कम से कम 5-10 मिनट भून लीजिए। हाँ, भूनने के बाद मैं इसमें 2 कप पानी डाल के और इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। अब चूँकि ये वाला गोश्त जो मैं यूज़ कर रही हूँ बकरे का वो गला हुआ है, तो जिस में हमने इसको गलाया था ये स्टॉक मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। इसको आप यखनी को ज़ाया नहीं करिएगा, सारा फ्लेवर इसमें है। ठीक है, तो मैं इसमें से जितना मुझे शोरबा रखना है मैं उतनी यखनी इसमें डाल रही हूँ। मैं ऐसी 1.5 प्याली यखनी डाल देती हूँ। अच्छा आपा, अगर गला हुआ होता गोश्त तो फिर कैसे बनाते? इसी तरह फिर भी गला हुआ ही तो है। ये गला हुआ है ना, आप तो कह रही हैं इसको समझ लें कि ये कच्चा है। हाँ। और अगर गला हुआ है तब भी यही प्रोसीजर रहेगा ना? Okay. आपके पास स्टॉक नहीं होगा, हम पानी डालेंगे। Okay. और इसको आप गलने के लिए छोड़ देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर आप इसमें ये लाल प्याज डालेंगे और भिंडी दम पे छोड़ देंगे। ऑलराइट, ओके। वैसे इजी सी रेसिपी है बट मज़े की आई एम श्योर होगी, क्योंकि आई लव भिंडी गोश्त। बस अब आप समझें, आपने कच्चे गोश्त में 2 कप पानी डाल दिया। ठीक है, 2 कप पानी डाल दिया। अब इसको आप कवर करके छोड़ दीजिए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें फिर आप समझिएगा गोश्त गल चुका है और हम इसमें ये लाल प्याज जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है 3 से 4 टेबलस्पून चूरा की भी वो और भिंडी डाल के दम पे छोड़। रेडी है हमारा, ऊपर से हरा धनिया जाएगा। ठीक है, आसान सी आपा ने आपको रेसिपी बता दी है, मज़ेदार सी। चूंकि ये भुन भी रहा है साथ साथ तो मैं इसकी खुशबू इंजॉय कर सकती हूँ, बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है। और चूंकि इसमें मलेशियन पाम ऑयल मेन इंग्रेडिएंट है इसका कुकिंग ऑयल का, और ये एक न्यूट्रल ऑयल है, इसकी अपनी कोई खुशबू टेस्ट जायका नहीं होता, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बता रही होती हूँ। लेकिन जब जब इससे खाने तैयार होते हैं तब तब आप फील करेंगे इसकी खुशबू, जायका, फ्लेवर, क्योंकि वो ये इन्हांस कर देता है, फ्लेवर अरोमा को बढ़ा देता है। इसलिए अपनी हर कुकिंग बनस्पति हो या फिर कुकिंग ऑयल हो उसी में तैयार करें जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। पर हमारी इस रेसिपी में क्या हो रहा है, फिर एक बहुत मज़ेदार सा हलवा लाई हैं आपा, वो भी आपा कह रही जी अपनी इनकी फैमिली का बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर और मज़ेदार सा है। पर इसकी डिटेल शेयर करेंगे, आप लोग हमारा शो देखते रहिए मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तखान। बस जा रहे छोटी सी ब्रेक पर, फिर जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तखान। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मज़े की रेसिपी तैयार हो रही, जो कि आपने ब्रेक से पहले देखा, भिंडी गोश्त हो रही थी रेडी। अब आप लोगों को बताते चले, मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने जो एक बहुत ही शानदार सी कैंपेन स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है सावित डिवाइन ब्लेसिंग। ये आप हमारे बैक पर लोगो इसका देख सकते हैं, सावित जो कि एक मलेशियन वर्ड है लैंग्वेज का, और इसका मतलब है पाम, डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि जी यहाँ पर 450,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है इस मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री से। और इसके साथ साथ मलेशिया की ये एक बड़ी एक्सपोर्ट में से भी एक है, जो कि एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी बात है। और अब वो इंतज़ार जो कि यकीनन आप लोगों को हो रहा होगा, हलवा जो कि आपा ने कहा बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सा है। अच्छा अब आपकी समझे गोश्त का, ठीक है, अगर इसमें पानी कम है तो जितना आपको शोरबा रखना है आप उतना पानी डाल। ओके, मेरे पास पानी काफ़ी है शोरबे के लिए, तो मैं इसमें शामिल करूँगी लाल प्याज 3 से 4 टेबलस्पून पिसी हुई। मैंने चॉपर वापर नहीं किया है। Okay. मैंने इसको बेलन से ज़रा सा दरा सा करना है, बहुत पेस्टी नहीं करना है। ठीक है, वो चला गया। और ये भिंडी, मैंने भिंडी ली साबुत, इसका ऊपर से टॉप निकाला, नीचे से तेल निकाल के, और इसको फ्राई किया है शैलो फ्राई। और वो भी मैंने जो ऑयल यूज़ किया था उसका मेन इंग्रेडिएंट था मलेशियन पाम ऑयल, उसी में मैंने फ्राई किया है। ठीक है, अब ये फ्राई भिंडी भी इसमें जा रही है, गरम मसाला पाउडर जाएगा, और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। आखिर में बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया, अच्छा
इसको प्लीज आप गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लिखा है लेकिन मैं 1 नहीं डालूंगी, उससे आपके भिंडी जूस का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। मुझे प्यारा सा खिलता हुआ कलर चाहिए। 1/2 टीस्पून डाल गरम मसाला जी। ओके बस ठीक है, बस अब इंतजार है। अभी थोड़ा सा हरा धनिया और बाद में थोड़ा सा हरा धनिया। कलर तो अभी ही बहुत जबरदस्त आया है। और आपको मर्जी है, आप इसको राइस के साथ खाएं, आपकी मर्जी है आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपकी अपनी। और अरोमा तो बहुत शानदार सी खुशबू आ रही है जो मैं इंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार, क्योंकि ये उस कुकिंग ऑयल में तैयार हो रहा है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। सेम रेसिपी से आप आलू गोश्त बना सकते हो, सेम रेसिपी से लौकी गोश्त बन सकता है, सेम से टिंडा गोश्त बन सकता है। आप जो सब्जी डालनी है आपने ऊपर दम पे डाल के उसको गलाना है। बस भिंडी फ्राई होती है, बाकी कोई सब्जी फ्राई नहीं होगी, कच्ची डाली जाएगी। जब आपका गोश्त 3/4 गल गया होगा, जब हम लाल प्याज डालेंगे उसको साथ सब्जी डाल दीजिएगा और दम को छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये भी अच्छा है, आपको साथ साथ बाकी भी पता चल गया कि कौन कौन सी सब्जी बना सकते हैं। अब हम आते हैं आज का सूजी का हलवा। अच्छा, सब में पहली बात आप इसकी क्वांटिटी पे गौर कीजिए, ठीक है? ओके, क्वांटिटी आपको चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसका नाप तोल। अच्छा, सूजी आप लेंगे 1 पाव, वनस्पति लेंगे आप 1 पाव, चीनी आप लेंगे 1 पाव और पानी लेंगे 1/2। ओके, अब मैं मेजर करूँगी। अच्छा, बकायदा फुल मेजर करना? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें आपको मेजर करना है। मैं लूँगी 1 कप वनस्पति यानी कि 1 पाव। ओके ठीक है, ये हो गया वनस्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट आप सबको मालूम है मलेशियन पाम ऑयल। एग्जैक्टली, अभी मैं यही बता रही थी कि वही वनस्पति है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और अब आप देखें ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, सिर्फ नमकीन में नहीं होता, बल्कि ये आप फ्राइंग में, डीप फ्राइंग में, शैलो फ्राइंग में, मीठे में, हर चीज़ में ये बेहतरीन होता है। ठीक है, ये चला गया मेरा 1 पाव या 1 कप भर के वनस्पति जी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी छोटी इलायची। ओके, 4-5 छोटी इलायची तोड़ के डाल दीजिए और फिर इसमें जाएगी सूजी। और वो भी 1 कप? नहीं, सूजी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए जाएगी कि वज़न का हिसाब है ना। अच्छा, 1 कप ही ले लेंगे। ठीक है, स्लो करो। ये देख, ठीक है, अब आप देखें ये 1 कप भर के डाल। अब इसको मुझे भूनना है। ये दो बटन नहीं होगा ये जी। ओके, कितनी देर भूनेंगे हम? कम से कम 2-3 मिनट। अच्छा, जब तक इसका कलर चेंज हो? जी, जरा सा। ओके, अच्छा, अब इसके लिए मुझे गरम पानी चाहिए। पानी हम गरम कर लेते हैं। तो कितना पानी लूँगी मैं? 2 कप। ठीक है, ये मेरे पास 1/2 कप है तो मैं इसके लूंगी 4 कप। दो, बकायदा फुल मेजर करके बनाया जा रहा है एक एक चीज। और चीनी भी जाएगी 1 कप। ओके, पानी इधर गर्म हो रहा है, कैसा खोलता हुआ गर्म? हाँ, मुझे खोलता हुआ पानी चाहिए। अच्छा, इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसमें से खुशबू आने लग जाएगी और ज़रा सा ये लाइट गोल्डन हो जाएगा। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो मैं चूल्हा बंद करके इसमें चीनी डालूंगी और ऊपर से गर्म पानी डालूंगी। अच्छा, चूल्हा बंद होना ज़रूरी है? चूल्हा बंद करके चीनी डालूंगी।
ओके अच्छा ये हमारा तैयार है, इसका मैंने चूल्हा कर दिया है। मिली गोश्त डाल। अच्छा हर तरह की कुकिंग के लिए बेसिकली मलेशियन पाम ऑयल बेस्ट है। आप इसे हाई टेम्परेचर पे भी बना सकते हैं, ये अपने हाई टेम्परेचर पे भी अपनी खूबियाँ स्टेबल रखता है और इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में फ्राइंग के लिए मलेशियन पाम ऑयल का ही इंतखाब किया जाता है। और यहाँ पर खुशबू आना स्टार्ट हो गई है ना, सूजी की खूब अच्छी सी भुन रही है। एंड ऑफ कोर्स आधा से ज़्यादा सूजी का भी कमाल है, लेकिन वनस्पति का भी है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, क्योंकि ये इनहांस करता है इनकी खुशबू, जायका, टेस्ट, फ्लेवर को। तो एक्चुअल रीज़न ये भी है। और हम डरते हैं ना वनस्पति खाने से, लेकिन आपको एक बात बताएं कि ये कोलेस्ट्रॉल से पाक, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है इसीलिए, और कुदरती तौर पर विटामिन ई से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ही आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रखता है, लाइक हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये तमाम चीज़ें। तो अच्छी बात है अपने हर खाने को सेहत से भरपूर बनाएं। अच्छा आपा, तो अब इसको तो इंतज़ार करना, तो ब्रेक ले लें क्या? हाँ बिल्कुल ले लें। ओके अनामशो के आप लोग भी मिस करना नहीं चाहते होंगे, इतनी मज़े की रेसिपी आपा सूजी के हलवे की लेकर आई हैं। आई नो सूजी का हलवा एक कॉमन होता है, रेसिपी कॉमन होती है, लेकिन कुछ कुछ रेसिपीज़ बहुत ख़ास होती हैं और हर रेसिपी हमें चाहिए होती है जो कि बहुत मज़ेदार बना दें हलवे को। तो ये रेसिपी आपा की बहुत मज़ेदार है अनामशो, इसको डिटेल में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे किस तरह से, बाकी तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। इसलिए देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। बस हम चाह रहे हैं ब्रेक पे, आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। यहाँ पर जायकों की हम बात कर रहे हैं और मैं आपको खुशबुएं बता रही हूँ, साथ साथ बहुत मजेदार आ रही है। आपा क्या हलवा तैयार कर रही हैं? ये देखें कलर, ठीक है, गोल्डन प्यारा सा कलर आ गया। अब इसमें हम एक कप चीनी, चूल्हा बंद कर दिया है, मैं इसमें एक कप चीनी डाल दूँ, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने डाल के मिक्स किया और ये पानी खोल रहा है, इधर डबल है पानी। तो अब पानी शामिल करेंगे इसके अंदर, पीछे हट जाइएगा, संभाल के डालिएगा, एकदम तोड़ेगा। ओके और चूल्हा कब ऑन करेंगे? तो खोल रही हूँ, खूब सारा पानी, शुगर, हमने ब्रेक में कुछ नहीं किया, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे फिर, ताकि रेसिपी की एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करें। ये एकदम नरम हलवा नहीं होगा जैसा आप रेस्टोरेंट में पराठे के साथ खाते हैं, बहुत मज़े का अपना इसका अपना वो है फ्लेवर। एक और इसमें आप डालेंगे अरके गुलाब, नो केवड़ा, नो कुछ नहीं, ठीक है। और अरके गुलाब इसमें काफ़ी सारा जाएगा, 4 टेबलस्पून या क्वार्टर कप, और थोड़े से बादाम पिस्ते, अभी थोड़े से मैं गार्निश करूँगी अपने डिश को ऊपर। अब इसको आप हल्का करके दम पे छोड़ दो एटलीस्ट फॉर 5 टू 7 मिनट्स। और हम कोई कलर भी नहीं ऐड करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका अपना खूबसूरत सा नेचुरल कलर रहेगा। और जी इस तरह से हम तैयार करेंगे। आपको मालूम है ना सिर्फ ये रिवायती कुकिंग जैसे मैं आपको बता रही होती हूँ, हर तरह की रेसिपीज़ तैयार हो रही होती हैं, जहाँ कन्फेक्शनरी की बात कर रहे हैं, स्नैक्स फूड की बात करते हैं, बेकिंग की बात कर रहे हैं, आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, तमाम में यानी कि पाम ऑयल, मलेशियन पाम ऑयल का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। इसलिए सुबह से रात तक आप जो जो खा रहे होते हैं, दिन भर में आपके खाने में कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर होता है मलेशियन पाम ऑयल। ओहो भिंडी गोश्त क्या शानदार सा लग रहा है आपका, मैं इसीलिए यहाँ निकाल रही हूँ। भिंडी का कलर देखिए, आपकी ग्रेवी का कलर देखिए। अच्छा अगर आपको इससे पतली ग्रेवी चाहिए, हाँ, तो आप जल्दी चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अच्छा तो शोरबा आपको सही मिल, अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है, हाँ, तो आप जल्दी बंद कर दें, आधा कप और पानी डाल दीजिए। ओके मैम शो कि आपको भी अच्छा सा लग रहा होगा, अच्छा सा दिख रहा होगा, और बहुत मज़ेदार सा कलर इसका अच्छा आया है, अच्छी खुशबू आ रही है। फिलहाल बेसब्री से इंतज़ार है इस हलवे का। भिंडी और गरम मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा, भिंडी का कलर ऐसे ही खुशनुमा होना चाहिए। हाँ यहाँ पर भी अभी फ्रेश ग्रीन कलर है, हालांकि ऑलरेडी फ्राई करके आपने डाली है। एग्जैक्टली ओके
ये सारा अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त यहाँ तैयार। ये आप आराम से 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं, रच के खा सकते हैं। बहुत सारा है, बेहतरीन सा तैयार हो गया। और ये हमने तैयार किया है कुकिंग ऑयल में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। अच्छा जी आपा, हम रीकैप देखें क्या? बिल्कुल देखें, मैं एक दफ़ा जाते जाते इसको दिखाती भी जा रही हूँ। हमने वैसे हलवे में कुछ करना है अभी? हलवे में कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बस इंतजार, सिर्फ डिश आउट करके और उसको गार्निश करना है। ओके, चांदी के वरक से दरखा हुआ बादाम पिस्ते से, आप देखते हुए जाओ। ये देखो बहुत बेहतरीन सा सॉफ्ट हो रहा है, खूब अच्छा सा तैयार हो रहा है। बस थोड़ी सी देर और देंगे हम, कलर अच्छा आया इसे। 5 मिनट और देंगे आराम से, 5 से 7 मिनट और देंगे। ओके, तो थोड़ी सी देर दम पर जब तक है ये, जब तक हम रीकैप देख लेते हैं। एक तरफ हलवा जो कि बहुत ही शानदार, और श्री नापा की अपनी स्पेशल रेसिपी है जो आप लोगों के साथ आज शेयर की है इन्होंने, साथ में भिंडी गोश्त आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। तो शकी जो रीकैप फिर हम यहीं ज्वाइन करते हैं, थोड़ा मौका मिल जाएगा हलवे को अच्छा दम होने का, फिर वापस लुक दिखाते हैं एक्चुअली हलवा कैसा लग रहा है। ऑफकोर्स मैं ट्राई करके आपको बताने वाली हूँ, चेक इट आउट। भिंडी गोश्त, अच्छा मटन 750 ग्राम, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, तली प्याज आधा कप, दही आधा कप, भिंडियाँ हल्की फ्राई आधा किलो। तरकीब, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन फ्राई कर लें, फिर इसमें तमाम मसाले और दही शामिल करके फ्राई करें। इसके बाद 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह इतनी देर पका लें कि मटन गल जाए। अब इसमें फ्राइड भिंडियां और पिसा गरम मसाला शामिल करके दम पर छोड़ दें। आखिर में रोटी के साथ पेश करें। सूजी का हलवा, अज्जा सूजी 250 ग्राम, वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ 250 ग्राम, हरी इलायची 3 से 4 अदद, चीनी 250 ग्राम, उबला पानी आधा किलो, बादाम और पिस्ते स्लाइस 3 खाने के चमचे, रोज वाटर 1/4 कप, चांदी का वर्क गार्निश के लिए। तरकीब, कढ़ाई में वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके हरी इलायची और सूजी 10 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसे चूल्हे से हटाकर चीनी शामिल करें और मिक्स कर दें। इसके बाद उबला पानी डालकर मिक्स करें और कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर रखें। अब इसे 5 मिनट अच्छी तरह पकाएं और ढक कर दम पर रख दें। फिर इसमें स्लाइस बादाम, पिस्ते और रोज वाटर शामिल करके मिक्स करें और सर्विंग प्लेटर में डालें। आखिर में चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। जी आप लोगों ने रीकैप देख लिया होगा, 2 बहुत आसान सी रेसिपीज यहाँ पर तैयार कर दी आपा ने, और हलवा आ गया है यहाँ, और इतनी देर में मैंने ट्राई भी कर लिया है। ये हलवा बहुत मजेदार बनाया है, लाइट है और लाइट है, रीजन आपको हैवी नहीं लगेगा। हलवे जब भी आप कभी खा लेते हैं 1-2 स्पून के बाद आपको लगता है ओह माय गॉड ये तो बहुत हैवी है, लेकिन क्योंकि आपा ने उस वनस्पति में तैयार किया जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, तो इसलिए आप बनाएं, इंजॉय कर लें, पसंद है हलवा भरपूर खाएं। मेरी तरह अगर शौकीन है फिर तो और अच्छे से खाएं और इंजॉय करें। लग रहे हैं कितनी शौकीन हैं। नहीं आपा, मैं बहुत मीठे की शौकीन हूँ, मैं छोटी थी मीठा, मैं कहती नमकीन को एक तरफ करते पर मैं मीठा खा लूंगी, बहुत शौकीन। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप डालेंगे हल्के गुलाब, तो उसका फ्लेवर, उसका खुशबू प्रोमिनेंट। ओके, अब तो हो गई ये जायकों की बात, सेहत की बात, तो अब टाइम है गिफ्ट का। जी जीतने का मौका मिल रहा है एक और शानदार सा गिफ्ट हम पर, तो MPOC के इस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर जी इस सवाल का जवाब देना है जो कि अब आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा होगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आई एम श्योर आपको इसका जवाब आता होगा, तो अभी लॉग इन कीजिए और आंसर दीजिए और जीत सकते हैं फिर आप बहुत ही शानदार सा गिफ्ट जो कि आपको दे रहा है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल, जो आपको दे रहा है बहुत अच्छा सा गिफ्ट। ओके, तो अब इजाज़त में आपने रेसिपीज तो शानदार से तैयार कर दी, इसका कलर टेस्ट फ्लेवर नाम शो क्या आप रेडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, अभी तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छा आपा ने तैयार किया है, और हलवा मत पूछिए वो भी बहुत मज़ेदार है। एनीवेज हम आपसे इजाज़त लेते हैं, तो मुझे श्री नापा को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे मलेशियन पाम ऑयल जायकों के दस्तखान में मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, हो जाएंगे हाजिर। अल्लाह हाफिज़।